भैया आपके ना 4-5 सफेद बाल निकल आए। हाँ छोटे, जब भी तू कोई शरारत करता है ना तो अगले दिन मेरा एक नया सफेद बाल निकल आता है, इसलिए तू ना थोड़ी मस्ती कम किया कर। अच्छा, इसीलिए पापा के सारे बाल सफेद हैं, मतलब आपने भी अपने टाइम पे खूब मस्ती की होगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, चल चल मूवी देख। गलती से मिस्टेक बेटा। समय से पहले बालों का सफेद होना आजकल के युवा की कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस तो सिम्टम्स दबाने के लिए गोलियां ऑफर करती है, वहीं आयुर्वेद की संहिताओं में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के योग का वर्णन मिलता है जिससे इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया जा सकता है। इन्हीं के दम पे आयुर्वेद ने हजारों लाखों लोगों को सफेद बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया है। आयुर्वेद का दावा है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको चाहिए कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स, मन में दृढ़ विश्वास और मजबूत विल पावर सफेद बालों को दोबारा काले करने के लिए, और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। आइए तो फिर 5 स्टेप्स में करते हैं सफेद बालों की छुट्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सुबह उठने के बाद पानी पीकर फ्रेश हो जाओ, फिर आपको एग्जीक्यूट करना है इस रूटीन का पहला स्टेप, जो कि है 1 चम्मच रसायन चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर ले लें। रसायन चूर्ण एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका वर्णन अष्टांग हृदयम के उत्तर स्थान के 39वें चैप्टर में मिलता है। ये 3 जड़ी बूटियों के बराबर मिलाने से बनता है, आंवला, गोक्षुरा और गिलोय। आंवला तो बालों के लिए प्रसिद्ध है ही, क्योंकि विटामिन सी और कोलेजन प्रोटीन से भरपूर ये बालों की जड़ों पर असर करता है। गोक्षुरा अस्थि और रस धातु पे काम करता है और गिलोय खून को साफ करता है और शरीर की गर्मी निकालता है। इनका जबरदस्त कॉम्बिनेशन शहद के साथ सफेद बालों को ठीक करने में असरदार है। आप चाहें तो रसायन चूर्ण को घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सुबह सुबह इसे खाने से इसका सबसे ज्यादा असर होता है, और क्योंकि ये एक रसायन है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, इसे लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना खाएं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बढ़िया से न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट के 20 से 30 मिनट बाद आपको लेना है 4 चम्मच भृंग राजा सर्व 4 चम्मच पानी के साथ। अगर मुझे बालों के लिए एक हर्ब का नाम लेना हो तो भृंगराज ही होगा। आयुर्वेद की संहिताओं में भृंगराज को सफेद बालों और यहाँ तक कि झड़ते बालों के लिए सबसे असरदार दवा बताया है। भृंगराज में विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीएसिटिलीन और क्यूमेस्टेंट्स होते हैं। ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो डॉक्टर सफेद बालों के लिए सजेस्ट करते हैं। अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी यही रिसर्च से पाया है कि सफेद बालों को काला करने के लिए भृंगराज उत्तम है। भृंगराज असर शास्त्रगत विधि से नेचुरल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, जो खाने के बाद आसानी से डाइजेस्ट होकर जल्दी असर करता है। समय से पहले सफेद बालों का आना बॉडी का सिग्नल है कि आप अधिक नमकीन, मसालेदार और खट्टा खाना खाते हैं। ये रस धातु पे असर करते हैं जिससे खून एसिडिक होने लगता है। आयुर्वेद की माने तो सफेद बालों का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा क्वांटिटी में समुद्री नमक का सेवन करना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि फीका खाना खाने लगे। कीवर्ड है अधिक, एक्सेस। जितना स्वाद के लिए जरूरी है उतना नमक जरूर डालें। बेहतर होगा अगर टेबल सॉल्ट की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करें। मेन प्रॉब्लम तो बाहर के खाने में है, जिसमें जरूरत से ज्यादा ही नमक और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। इन्हें कट कर दें अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो। सफेद बाल आयरन की कमी से भी होते हैं, शायद इसीलिए कुछ आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर लो भस्म सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप आसानी से आयरन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो कास्ट आयरन के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यहाँ तक कि कड़वे, मीठे और कसैले टेस्ट वाले फूड आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये शरीर से गर्मी को कम करते हैं। इन्हें अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाएं। कुछ योगिक आसन भी हैं जो सर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल आसनों की बात करूं तो पहला, अपने हाथों को पैरों से टच करके 1 मिनट के लिए होल्ड करें। इसे 3 बार करें। फिर आप पर्वत आसन कर सकते हैं, जिसमें अपनी आंखों को नाभि पे 1 मिनट के लिए टिका के रखें। इसे भी 3 बार करें। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप कपालभाति करें। अगर आप चाहते हैं कि काले बाल वापस आएं तो योगा रूटीन को मिस करना ऑप्शन नहीं है।
ज्यादा नहीं तीनों पे 5-5 मिनट ही लगेंगे। कुछ और चीजें भी हैं जो सफेद बालों की प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। कैसे? ऐसे। ओके, तो पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करने के बाद जब आपने डिनर कर लिया हो तो उसके 20 से 30 मिनट बाद आपको लेना है वही 4 चम्मच भृंग राजा सर्व 4 चम्मच पानी मिलाकर। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, इसे अपना काम करने दें। अब बस सोने से पहले आपको एग्जीक्यूट करने हैं लास्ट 2 स्टेप। स्टेप 4 है हेड मसाज क्लासिकल नीली भ्रिगांती तेलम से। जी हाँ, ये आयुर्वेद की खास फॉर्मुलेशन है सफेद बालों के लिए। आमला, नील पत्ती और भृंगराज जैसे असरदार हर्ब से बना ये बालों को काले करने के लिए बेस्ट हेयर ऑयल है। 5 मिनट तक अच्छे से पूरे सर की मसाज करें, बहुत फायदा होगा। सुबह किसी नेचुरल शैम्पू से धो सकते हैं। इस ऑयल को आप अपना रेगुलर हेयर ऑयल बना सकते हो। हाँ, जब रात को तेल लगाकर सोएं तो कोई पुराना पिलो कवर या टॉवल यूज कर लें। फाइनली दोनों नथनों में 2-2 बूंद अनु तेलम की डाल लें। चरक संहिता सूत्र स्थान में मेंशन अनु तैलम एक शास्त्रीय मेडिसिन है जो अगर नास्य से ली जाए तो बालों को काला करती है। थोड़ी जलन जरूर होगी लेकिन घबराएं नहीं, ये नॉर्मल है। अब आराम से सो जाएं, इग्नोर ना करें, क्योंकि अच्छी नींद से स्ट्रेस ही नहीं बल्कि शरीर की गर्मी भी कम होती है जिससे सफेद बालों की समस्या में सुधार आता है। बस फिर सुबह आराम से उठ के फॉलो करें इस पावरफुल आयुर्वेदिक रूटीन को। रीकैप करूं तो सुबह ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले 1 चम्मच रसायन चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिला के ले लें। फिर ब्रेकफास्ट के 20 मिनट बाद 4 चम्मच भृंग राजा सर्व 4 चम्मच पानी मिलाकर लें। यही दोबारा डिनर के बाद भी लें। सोने से पहले नीली भृंगादी ऑयल से सर की अच्छे से मसाज करें और आखिर में 2-2 बूंद अनु तैलम के दोनों नासिकाओं में डालें। ये ध्यान रहे कि डाइट ऐसी हो कि पित्त दोष को बैलेंस करे, योगा करें और ठीक से सोएं। दोस्तों, सफ़ेद बालों को काला करना भले ही सुनने में मुश्किल लगे लेकिन अगर आप इस रूटीन को 100% फॉलो करें तो मैं एश्योर करता हूँ हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स ये विश्वास दिलाते हैं कि आप रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको वैसे तो 45 दिन में डिफरेंस दिख जाएगा लेकिन इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए 3 महीने तक फॉलो करें। हाँ, ये ध्यान रहे कि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो काले नहीं होंगे बल्कि नए बाल जड़ से काले निकलेंगे। मैंने इस 3 महीने के कोर्स की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकाली है और ये पड़ेगी आपको 1500 रुपये। ये मिनोक्सिडील जैसी टेबलेट से भी कम है जो सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करती हैं, प्रॉब्लम की रूट तक नहीं पहुंच पाती। तो इस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले अपने बालों की एक फ़ोटो ले लें और फिर 3 महीने बाद आकर अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जो भी प्रोडक्ट्स इस रूटीन में यूज़ हुए हैं मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये रूटीन असरदार है इस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि किसी भी हालत में आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस पे बुरा असर ना डाले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत की गर्मी में सनस्क्रीन के बिना काम चलाना मुश्किल है। अगर आप मार्केट में एक जेन्युइन सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो मामा अर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है। क्यों? पैक को घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये बनी है जिंक ऑक्साइड के साथ, वीट जर्म ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई और कुछ एसेंशियल ऑयल से। ना ऑक्सीबेंजोन, पैराबेंस, सिलिकॉन्स, कॉस्मेटिक कलर्स या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। वैसे तो ये बेबी सनस्क्रीन है लेकिन बड़े भी यूज कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। सबसे अच्छी बात है इसकी प्राइस। 50 ग्राम आपको पड़ेगी 150 रुपये की, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए सीधा 21% का डिस्काउंट है। तो मामा अर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। My name is Vivek. I thank you so much for watching.